नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि जो है आपके मंगलवार के मार्केट में क्या स्थिति बनने वाली है। ये दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड आयल है, सभी का दैनिक वीकली अंत प्रेडिक्शन लेते हैं, टाइम फ्रेम भी जानते हैं और इसके साथ जो अपनी जन्म पत्रिका आदि भी आप दिखला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। हमारी सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित होती है। तो आज दोस्तों जो है कि मैंने गोल्ड सिल्वर के लिए जबरदस्त मंदी के योग कहे गए थे और जो प्रेडिक्शन निकाला था वह 100% ही सही हुआ। जो लोग जुड़े हुए हैं और उनके लिए बीच में मैंने एक नोट भी छोड़ा था जहां पर ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन होता है जिसके आधार पर मार्केट की एकदम से दिशा पलट भी जाती है, या तेजी में मंदी है, मंदी में तेजी, या फिर जो मार्केट चलता रहता वही चलता रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि गोल्ड के मार्केट में जो है लगभग 1700-1800 की मंदी देखने को मिल रही है और 75,000 आपका सोना जा चुका है यहाँ पर। और इसके साथ जो है सिल्वर में हमने देखा कि लगभग 2400 की अभी मंदी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जी दोस्तों, एक वीडियो भी मैंने बनाया है कि क्या गोल्ड की स्थिति बन सकती है, कितना नीचे जा सकता है, वह वीडियो भी आप देखना ना भूलें हमारे चैनल पर। और अब हम देखेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है कल। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि मिक्स में पॉजिटिव दिखाएगा, तो पॉजिटिव ही संकेत हमको मार्केट में देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजी रहता है, वो आपको व्यू बताता है, आपको नुकसान से बचा लेता है और आपको एक राह दिखला देता है कि क्या स्थिति बनी है और आप कैसे काम कर सकते हैं उसको समझ के। तो जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे लोग नुकसान ही उठाते हैं क्योंकि किसी प्रकार का मार्केट का कोई ज्ञान नहीं होता है और कोई अंदाजा नहीं होता है कि मार्केट की क्या स्थिति बन सकती है। जहां पर व्यक्ति को स्थिति का अंदाजा रहता है वह वहां पर संभल के काम कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अब कल के मार्केट के लिए हम देखेंगे कि क्या ग्रह स्थिति बना रहे हैं। और यदि आप इंटरडे वीकली मंथली काम करते हैं तो हमारे कार्यालय से गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, इन सभी का दैनिक वीकली मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ टाइम फ्रेम भी आप जान सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है कल क्या होने वाला है मार्केट में, भाई आज हम देखेंगे क्या आपका राशिफल रहने वाला है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो जैसा कि आज हमने मार्केट देखा, जबरदस्त तेजी के योग हमको देखने को मिले। अब कल का यदि हम पंचांग देखते हैं तो पंचांग के अनुसार कल 26 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन रहेगा, 11 तिथि रहेगी कल। और जी हाँ दोस्तों, कल जो है हस्त नक्षत्र जो कि चंद्र का नक्षत्र है और कन्या राशि रहेगी जो कि बुध की राशि है, और कल चंद्र और केतु की युति कल भी बनी हुई है जिसका भी हमें विशेष प्रभाव मार्केट पर देखने को मिलेगा। लेकिन कल इनके प्रभाव के साथ साथ बुध जो है बुध ग्रह भी वक्री हो रहे हैं, तो बुध का प्रभाव भी कल मार्केट पर विशेष देखा जा सकता है। इसीलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो है मार्केट का रुख पूरा समझ लें, इसके बाद ही कोई ट्रेड करें ताकि आपको नुकसान ही ना हो। मार्केट में जो है स्टॉप लॉस का उपयोग जरूर करें, हेजिंग जरूर करें, इससे आपका कैपिटल बचता है, पूरा कैपिटल समाप्त नहीं हो पाता है। और बहुत ही मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है, सोच समझ की आवश्यकता होती है, तभी आप लाभ ले सकते हैं। यदि आपको एक बार लाभ जो है लाभ हो जाता है तो आप मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। बार बार प्रयास करने पर जो आप अपना पैसा कमा लेते हैं वह भी आप गंवा देते हैं। अधिकांश मैंने कुंडली जो हमारे पास दिखाने के लिए आती हैं, इनमें हमने देखा कि जिनके बुध बकरी भी रहते हैं, अस्त भी रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अधिकतर जो है मति भ्रम हो जाता है और बने हुए लाभ को भी वह काट नहीं पाते हैं। तो कुंडली भी जो रहती है आपको एक निर्देश बताती है और इसके आधार पर यदि आप ग्रहों का उपाय भी करते हैं तो भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो जन्म पत्रिका से जरूर जान लेना चाहिए कि किस सेक्टर में किस प्रकार के योग बने हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यह सारी चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। आज ही किसी एक बंदे का फोन आया था जो कि लगभग 35 लाख रुपए अपने नुकसान कर चुका है, उसके बाद भी जो है समझ नहीं आया क्या करें। लेकिन ज्योतिष विद्या जो रहती है आपको ज्ञान देती है, आपको होने वाली नुकसानी से बचा देती है। यदि आप भी इस प्रकार के नुकसान कर रहे हैं बड़े बड़े, तो सावधान हो जाइए,
अपना कैपिटल खराब ना करें, घर परिवार का ध्यान जरूर रखें, उसके आधार पर ट्रेडिंग करें, बना बनाया कैपिटल जो है खराब ना करें। जब आप अर्निंग कर लेते हैं उसके आधार पर ही आप जो है मार्केट में काम करें, और ज्यादा नहीं समझ में आता तो स्टॉक लेकर रख के बेचने वाला काम भी आप कर सकते हैं। जब तक आप कैपिटल जमा करें उसके बाद ही आप ऑप्शन में जो है काम करें, क्योंकि ऑप्शन में एकदम से पैसा चला जाता है और व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। लोन आदि लेकर भी काम ना करें, ऐसे में आपका घर परिवार तो परेशान होता ही है, साथ ही आपका बना बनाया व्यापार जो है वह भी बिगड़ जाता है। तो थोड़ी सी खास बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग कुंडली दिखलाने के लिए आ रहे हैं जिनकी की स्थितियां सुनकर और देखकर बहुत ही दुख होता है। तो यह सभी आप लोगों के लिए एक जानकारी दी गई है ताकि आप इस प्रकार की गलती ना करें, और यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको समझें, और योग नहीं है तो बिल्कुल भी मार्केट में अपना कैपिटल खराब ना करें। और अब हम देखेंगे कि कल के मार्केट में ग्रह क्या स्थिति बनाते हैं। तो सबसे पहले कल की जो स्थिति बनी हुई है, धनु लग्न की कुंडली है, शुक्र लग्न में बैठे हैं, चंद्र पर सम सप्तक में राहु और चंद्र केतु का योग है, और शनि से जो है चंद्र केतु अष्टम है। तो यह स्थिति कुछ ठीक नहीं होती है। लेकिन यदि हम चंद्र की बात करते हैं तो कल हस्त नक्षत्र है, यह कुछ पॉजिटिव दिखला सकता है, और कल जो है बुध का बकरी भी हो रहे हैं, तो और क्या स्थिति बनेगी वह आगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम राशि फल देख लेते हैं। तो राशि फल में यदि हम देखते हैं तो मेष राशि वालों के लिए कल जो है हानि के ही योग समाज में आ रहे हैं, काम ना करें तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं। कन्या मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित योग बने हुए हैं, लाभ हो जाता है तो मार्केट से बाहर हो जाए। कर्क राशि वालों के लिए जो है लाभ के योग हैं। सिंह राशि वालों के लिए लाभ के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए कल जो है हानि के योग हैं। इसके साथ तुला राशि वालों के लिए भी हानि के योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। धनु राशि वालों के लिए जो है मिश्रित योग है, प्रॉफिट मिलते ही बाहर हो जाएं। मकर राशि वालों के लिए लाभ के योग बने हुए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित योग है, प्रॉफिट मिलते ही बाहर हो जाएं। इसके साथ मीन राशि वालों के लिए भी हम देखते हैं तो मिश्रित योग है। तो यह राशि फल 70-80% तक सही जाता है, लेकिन इसके साथ जो है सूक्ष्म प्रश्न आपको अपनी जन्म पत्रिका से दिखलाना चाहिए। तो नाना प्रकार के लोग हैं और ऑप्शन चयन के पीछे लोग बिल्कुल बेकदर होकर काम करते हैं, अपना कैपिटल भी नहीं देखते और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करें। एक निश्चित कैपिटल, एक निश्चित अमाउंट बनाकर ही काम करें, ताकि आप जिस नुकसानी को आप स्वयं झेल सकते हैं, जिस लॉस को आप झेल सकते हैं उतना ही आप काम करें। और अब हम देखेंगे कि कल मार्केट में ग्रह स्थिति क्या व्यू बना रहे हैं। तो यदि हम एस्ट्रोलॉजी का एक व्यू देखते हैं तो कल के मार्केट में भी हमें जो है कुछ पॉजिटिव मार्केट हमको दिखला सकता है, लेकिन पाप ग्रहों का भी है योग बना हुआ है तो कुछ डाउन के संकेत भी दिखलाएगा, लेकिन एक व्यू देखा जाए तो मिक्स में पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है। तो कुछ पॉजिटिव के संकेत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारा एस्ट्रोलॉजी व्यू है। मार्केट में काम करने से पहले मार्केट के रुख को समझना, उसको समझ के ही ट्रेड करना, और अचानक जो है एकदम से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, सोच समझ के ही लेनी चाहिए। तो वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी बहुत सारे लोग जो जुड़ना चाहते हैं, मैसेज आते हैं तो हमारा कार्यालय का नंबर रहता है, उसी पे आप संपर्क करके ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।